गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है? हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर इन द राइट हाफ प्लेन, इन द लेफ्ट हाफ प्लेन एंड ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। तो यहाँ पे बेसिकली हमको पॉलिनोमियल दिया गया है पी ऑफ एस, और हमको पूछा गया है कि इसके पोल्स कितने पोल्स राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है और जे ओमेगा एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस पे हैं। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको सबसे बेसिक चीज़ करनी पड़ती है, हमको राउट टेबल जनरेट करना पड़ता है या ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलो चलते हैं कि राउट टेबल क्रिएट करते हैं। तो राउट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम जितने भी ये पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री है तो उससे हम ड्रॉ करते हैं, सरेस्ट 4, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो यही किया मैंने, सरेस्ट 5, सरेस्ट 4, सरेस्ट 3, सरेस्ट 2, सरेस्ट 1, सरेस्ट 0। ये अपना पहला कॉलम बनता है। उसके बाद हमको पहले दो रो बनाने हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि कैसे किया जाता है रो टेबल। तो S^5 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। S^4 का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। S^3 का कितना है, 5। S^2 का कितना है, 4। S^1 का कितना है, 1। और S^0 है, 3 है। सो बेसिकली S^5 के रो में आएंगे सब ऑड एस वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट, और इधर इवन वाले इसमें आएंगे। तो इवन बोले तो S^4 का कोएफिशिएंट, S^2 का कोएफिशिएंट और S^0 का कोएफिशिएंट। ठीक है, एक बार ये होने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट्स किस किस के लिए, S³ के लिए, S^2 के लिए, S^1 के लिए और S^0 के लिए। तो चलो चलते हैं। तो S^3 या S³ का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली माइनस डिटर्मिनेंट, ये ऊपर वाला जो है ऐसा ही लिखना है, 1, 3 और उसके बाद 5, 4 जो दूसरा कॉलम के पहले दो है, तो वही मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है एग्जैक्टली ऊपर वाला कोएफिशिएंट वो इधर डाल दो, और उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.667। सेम चीज़ इसे इधर करके जाना है, माइनस डिटर्मिनेंट 1, 3 लेना है, बट यहाँ पे दूसरा जो आएगा कॉलम वो 1, 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 सेम रहेगा, उसकी वैल्यू आएगी 0। सेम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 3 पहला कॉलम सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 कॉमन रहेगा, और इधर कुछ है नहीं, मतलब 0, 0 लेना है, तो ये 0 आएगा। तो ये अपन को रो मिल गया। उसके बाद स्क्वायर का रो निकालते हैं, सेम चीज़ करती जानी है, इसके ऊपर वाले दो कोएफिशिएंट लेने हैं, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ऊपर वाले दो कोएफिशिएंट 3.667, 4, 0, 4, 0 डिवाइडेड बाई ऊपर वाला, तो ये लिख दिया। सेम आगे के लिए दो कोएफिशिएंट के लिए सेम करते जाना है, पहला कॉलम सेम रहेगा हमेशा, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी, बस ये अभी 3, 0 आएगा और 0, 0 आएगा, तो वैल्यूज आएंगे 3 और 0। सेम चीज़ हमको रिपीट करनी है S^1 के लिए रो के लिए और S^0 के कोएफिशिएंट निकालने के लिए, तो हमको ये कोएफिशिएंट मिल जाते हैं। तो एक बार ये चीज़ हो गई तो अपन को रूल्स पता है कि सबसे पहले चीज़ देखनी है कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसमें साइन चेंजेस कितने हैं देखने हैं। साइन चेंजेस मतलब ये जो कोएफिशिएंट है +1 है, +3 है, +3.66 है, +4 है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो एक साइन चेंज हो गया। -2.75 से इधर 3, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब दो साइन चेंजेस हो गए। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ निकालनी है, पहला जो कॉलम है उसमें कितने साइन चेंजेस है। जितने भी साइन चेंजेस है उतने पोल्स आपके राइट हैंड प्लेन में रहते हैं। ये दिमाग में डाल दो आप बात कि जितने भी साइन चेंजेस है उतने पोल्स राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन रहते हैं, तो अपन को वो तो मिल गए। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि देयर आर 2 साइन चेंजेस, हेंस 2 राइट हैंड पोल्स। उसके बाद एक चीज देखनी है अपन को, कौन सा भी ऐसा रो है क्या जिसकी सब वैल्यू 0 है, सब कोएफिशिएंट्स है क्या, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब जे ओमेगा एक्सिस पे कोई भी पोल नहीं है, इसका मीनिंग यही होता है। अगर कौन सा भी रो अगर समझो 0 रहता है कोएफिशिएंट्स का, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जे ओमेगा एक्सिस पे पोल्स है, बट इस केसेस में नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे जे ओमेगा एक्सिस पे कोई भी है नहीं। तो 0 वहाँ पे हो गया, तो बचे कितने, 5 में से 2 तो राइट हैंड साइड वाले पोल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोल बन जाएंगे 3। तो ऐसे हम निकालते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने पोल्स है, राइट हैंड साइड में कितने पोल्स है और जे ओमेगा पे कितने पोल्स है। तो 0, 2 और 3, ये इस चीज़ का या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर कोई डाउट है इस एक्सप्लेनेशन में तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। थैंक यू।